असली भारतीय कौन है, नकली भारतीय कौन है, यही मिलावट हमारी कमजोरी है। ये नहीं होना चाहिए। शुद्ध घी से ही हवन हो सकता है, घी में मिलावट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हमारी भारतीयता में, हमारे सिद्धांत में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। हमारी जो परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम, भगवान की गीता में कह रहे हैं, परंपरा से प्राप्त जो सनातन संस्कृति है, किसी भी देश की रक्षा यदि करना है, उसके अस्तित्व की सुरक्षा करनी है, तो अपनी संस्कृति और संस्कार की रक्षा हमें करनी होगी। संस्कृति और संस्कार की रक्षा कैसे होगी? धर्मशास्त्रों के ज्ञान से होगी, वेदों से होगी, शास्त्रों से होगी, पुराणों से होगी, भगवद गीता से प्राप्त होगी, रामचरितमानस से प्राप्त होगी, श्रीमद् भागवत से प्राप्त होगी। हमारी, हमें सन्मार्ग पर चलाने वाले जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों का आश्रय लेकर के ही हम अपनी भारतीयता को समझ सकते हैं। समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि ऐसा क्या है भारत में जिससे भारत भारत सिद्ध होता है। ऐसा क्या है? एनेदम भारतम, भारती यत्र संस्कृति ही। हिमालय से लेकर, सिंधु से लेकर पूरे देश में जो संस्कृति व्याप्त है, उस संस्कृति का नाम सनातनीय हिंदू संस्कृति है। इस संस्कृति ने, इस देश ने सबका आदर किया, सबका पालन पोषण भी किया, सबने यहां निवास भी किया। संशोधन केवल इतना करना है कि हम जहां रहते हैं, जहां हमारा उदर पोषण होता है, जिसका हम भोजन जल प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति है और यह संस्कृति हमें एनाश्चो पितरो याता, एन याता पिता महा, हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, वहां से चली आ रही है। आदि अनादि हमारी सनातनीय परंपरा है, इसलिए इसे सनातन धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं। श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्थ चा प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। श्रुतियों के, स्मृतियों के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म के लक्षण कहे गए हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। सदाचार युक्त होना चाहिए, शिष्टाचार युक्त होना चाहिए। शिष्टाचार ही सदाचार है। धर्म पालन के ये सरल उपाय हैं, और सरल उपाय हैं, धृतिक्षमा दमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रहः धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम् धर्म लक्षणम्। ये धर्म के दस लक्षण मनुष्य मात्र के लिए कहे गए हैं, मनुष्य मात्र को इनका पालन करना चाहिए। धर्म के इन लक्षणों का पालन करने से हम अपनी संस्कृति और राष्ट्रीयता की रक्षा कर सकते हैं। हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कृति के ज्ञान के लिए हमारे पाठ्यक्रम में गीता जी के उपदेश का समावेश होना चाहिए। हमारी संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के लिए हमारी, हमारे पाठ्यक्रम में रामचरितमानस, परमात्मा श्री राम ने कैसे राम राज्य की स्थापना की, कैसे राज्य का संचालन किया। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, सब नर करहीं परस पर प्रीति। नहीं दरिद्र कोई, कोई दरिद्री नहीं था श्री राम के राज में, कोई अज्ञानी नहीं था, कोई तापत्रय वाला नहीं था, तापत्रय से सभी मुक्त थे। ये हमारी भारतीय संस्कृति के पोषक ग्रंथ हैं, इनका अनुकरण करना चाहिए। परमात्मा श्री राम ने अवतार लेकर वह कर कर करके दिखाया जो मनुष्य को करना चाहिए।